हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लेवर। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है हु वॉज वेरी क्लोज टू लालू मखीजा। लालू जी के बहुत क्लोज थे, जैसे हम हमारी चैनल पे हमेशा कह करते हैं कि लालू जी हम आपको मिस करते हैं, लालू जी हमारे साथ हैं। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो हमें गेटी में मिले, उन्होंने हमें बताया कि लालू जी के साथ वो पिक्चर देखा करते हैं। हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे आज हमारे चैनल पर। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। माई नेम इज़ किशोर चैनानी। Remembrance to Laluji before I say anything. He was my idol. And we are here at Yevle, जो Laluji और हम यहाँ पे last मिले थे, साथ में एक कप चाय पिया और उन्होंने मुझे एक क्रीम रोल खाने को दिया था। ग्रेट जेंटलमैन सर। मतलब Laluji को आप कितने टाइम से जानते थे? मैं Laluji को लगभग 12 साल से जानता हूँ, बट पिछले 6 साल इतने करीब हो गए थे कि हर फ्राइडे फर्स्ट शो लरेव, यानी कि जो आज PVR बैंड्रा हो गया है, वी यूज़ टू मीट ओवर देयर। हमारी मीटिंग पॉइंट वहीं पे होती थी। और बताना ज़रूरी है कि कभी कभी लरेव शो कैंसिल कर देता था, तो वी यूज़ टू गो टू सबर्बिया, एंड इफ़ नॉट सबर्बिया देन वी वुड प्रॉब्ली मीट एट PVR जू। सो सर, जैसे हम कहा करते हमेशा कि लालू जी को हर एक इंसान, लालू जैसे इंसान इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा, बट लालू जी को हम मिस करते। तो आप कितना भी, आपको ऐसा लगता है कि लालू जैसे इंसान इस दुनिया में दोबारा नहीं आ सकता, जैसा सच्चा इंसान, पॉजिटिव इंसान अपने लाइफ में, और हमेशा हंसते गाते उनके मुंह पे कभी भी हंसी रहती थी, कुछ भी हो पर वो हमेशा हंसते रहते थे। बिल्कुल सही बोला महावीर जी आपने। कुणाल जी, बॉलीवुड फ्लेवर ऐसा एक चैनल है जो आपके सामने सच्चाई लाएगा और नथिंग बट द ट्रूथ। आई एम वेरी हैप्पी टू बी टॉकिंग टू यू पीपल, एंड यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऑफकोर्स जैसे कुणाल जी ने बोला था, कुणाल जी राइट, दिस इज़ लालीवुड लालूज चैनल। तो मैं यही बोलूँगा कि व्हेन आई वेंट टू सी मुंबई सागा, जो हम पिक्चर की बात करने वाले आगे, विद द फर्स्ट पर्सन दैट आई वॉज मिसिंग वॉज लालू जी। आई से आई विश लालू जी वॉज हियर, बट मे बी फिजिकली ही वॉज नॉट प्रेजेंट, बट यस His soul was with me today at the movie theater. Okay sir, आपने देखा मुंबई सागा, बताइए मैं पिक्चर के बारे में, कैसा लगा आपको पिक्चर? पिक्चर बहुत बढ़िया है, बिल्कुल धमाका मचा देगा ये फ्राइडे सैटरडे संडे को, जैसे कोरोना ने धमाका मचा दिया है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन मुंबई सागा जो पिक्चर है, एक लोगों को बताएगा कि बॉम्बे जो शहर था, Why it changed its name to Mumbai? अगर मैं ये पूरी स्टोरी आपको ये इंटरव्यू में बता दूंगा तो आप लोग 140 रुपया खर्चा नहीं करोगे। मेहरबानी करके आप लोग ये 140 रुपया ज़रूर खर्चा करिए। सेवपुरी नहीं खाना जू बीच पर जाके, भेलपुरी नहीं खाना, लेकिन मुंबई सागा जाके पिक्चर ज़रूर देखना, बिकॉज इसमें जो असलियत दिखाते हैं, ऑफकोर्स कुछ वो लोग ने माल मसाला डाला हुआ है ये पिक्चर में टू सेंसेशनलाइज द होल थिंग, बट कुछ ऐसी सी ट्रू स्टोरीज़ है, एपिक्स, जो आपको पता चलेगा कि इस जैसे खेतान मिल विच वॉज नेवर टर्नड इंटू अ मल्टी शॉपिंग मॉल, जैसे मैनी ऑफ दीज मॉल्स विच आर देयर वर एक्चुअली मिल्स बिफोर, टेक्सटाइल यूनिट्स। तो ये जो मॉल, ये लैंड माफिया बोलते हैं जो, ये इसकी असलियत दिखाई दी है। और एक एक एक्टर ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है, और ख़ास करके जॉन सर, जॉन इब्राहिम, आई लव हिम वेरी मच, आई हैव सीन ऑल हिज मूवीज़, सो ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर पार एक्सेलेंस। मैं उसके बोलते ना, एक शॉट जिसमें वो जॉन इब्राहिम जो अपने चप्पल दिखाता है, यू नो, वो जो काली चप्पल पहनता है, आई वॉज सो जेलस ऑफ हिज ब्लैक स्लीपर, आई टेल यू, लड़कियाँ फिदा हो जाएगी उसके चप्पल के पीछे। और जो एक एक गॉगल्स पहनता है, जो सन ग्लासेस, वाह, समर टाइम पे वाकई उसने लॉन्च किया है, ही कैन बी अ गुड ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सन ग्लासेस। और गाने, ओ हो, लुट गया वॉज रियली, मैं तो लुट ही गया था इस पिक्चर को देख के। तो आप कितनी बार देखोगे पिक्चर को? डेफिनेटली 3 बार देखूंगा, आज एक बार देख चुका हूँ, कल सैटरडे और थर्ड टाइम संडे, बिकॉज मैंने जो फैसला कर लिया है कि ये पिक्चर 3 बार क्यों देखूं, क्योंकि इसके एक एक डायलॉग्स ज़बरदस्त डायलॉग्स है, ऐसे डायलॉग्स है कि आपको हिला देगा। इमरान हाशमी का काम कैसा लगा? इमरान हाशमी तो एकदम बोलते हैं ना, जैसे कि वो हमेशा
लवर बॉय किसिंग सीन्स दिखाते थे, उसने वो जो इमेज था उसका उसने बिल्कुल 360 डिग्री चेंज करके जो उसने टॉप इनकाउंटर कॉप के जरिए दिखाया लोगों की, आई एम वन ऑफ दोज स्पेशल कॉप्स जो किसको भी ठोक सकता हूं। वो एक डायलॉग बोलते हैं कि जैसे अमर्त्या राव को तो मारूंगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं 10 करोड़ का क्या करूँगा। वो बहुत बढ़िया, और उसके बाद जो इंटरवल दिखाते हैं तो पूरी पिक्चर जो एकदम पलट जाती है। हमने एक एक सीन को देखा कि अगली बार क्या होगा, बिकॉज द मूवी वॉज सो ग्रिपिंग कि इट वॉज नॉट वेरी, हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाते थे कि भाई कि अगला सीन क्या होगा, तो इट केप्ट यू ग्रिपिंग। द स्टोरी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, द राइटिंग इज़ टू पावरफुल, संजय गुप्ता इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, मूवी प्रोड्यूसर एंड राइटर। मतलब इससे हमको जो पिक्चर थी शूट आउट एंड बदला, फिर आपकी कांटे, ये सब मूवीज़ की याद आती है, पर याद आती है, पर क्या है ये पिक्चर बिल्कुल हटके है, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती है, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने ये किरदार निभाया एक एक करके, और ख़ास करके महेश मांजरेकर, ओ हो इस डाय वो जो भाव करके बोलते हैं उसको, बाला साहब ठाकरे, हाँ, ही इज़ एक्टेड सो ब्यूटिफुली, बोलते हैं ना एक क्राफ्ट को उसने कैसे आगे लेके गया, और बिल्कुल एफर्टलेसली यू कुड मेक आउट द एक्सपीरियंस इज टॉकिंग ऑफ महेश मांजरेकर जी, दैट यस इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। ऑफकोर्स ऑफकोर्स उसको इतने पिक्चर में अभी नहीं देख रहे हैं हम, लेकिन ही इज़ अ गुड एक्टर, और एक किरदार जरूर बोलूँगा गायटोंडे जी का, तो गायटोंडे इज़ रियली समथिंग। अमोल गुप्ते हु इज़ आई वुड से एन एक्टर पार एक्सलेंस इन दिस मूवी। राइट, सुतार कितना स्टार्स देंगे आप 5 में से पिक्चर को? मैं बिल्कुल साहब बोलना नहीं चाहिए, अगर ये 6 स्टार पिक्चर बना देना तो मैं इसको 6 स्टार दूंगा। मैं कभी ये 5 ये जो जो आम जो जो जनता और ये जो चैनल्स होते हैं क्रिटिक्स देखते हैं, मैं आज से एक नया स्टार कैटेगरी दूंगा 6 स्टार्स, तो आप ये 6 स्टार मेरी तरफ से जोड़ दीजिए 6/6। सो गाइस देखा आपने कैसा लगा, जैसे तेंदुलकर हमेशा छक्का मारता है right. तो ये भी पिक्चर छक्का मारेगी। राइट, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज अच्छा बिजनेस करेगी? 300 करोड़ गारंटी है सर, 300 करोड़। सो गाइस देखा आपने, ये था एक्साइटमेंट मुंबई सागा का जो इन्होंने बताया हमें, और जैसे कहा कि लालू इज़ ऑल्सो वेरी बिगेस्ट फैन। सो गाइस प्लीज़ डू काइंडली वॉच आर चैनल, और जैसे हमने कहा हम लालू जी को हमेशा मिस करते हैं, आप भी कितना मिस करते हो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, इट्स लालूज़ बॉलीवुड फ्लेवर। और जाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मिस यू लालू जी। Thank you, boss, thank you.